हूँ प्रीना, वंस अगेन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल मीशो के एक नए इंटरेस्टिंग हॉल वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब भाई? आज का हॉल वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज है जो आप लोगों से कहना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच मुझ पे ट्रस्ट करने के लिए, मेरे सारे वीडियोस पे ढेर सारा प्यार देने के लिए। मीशो से जब भी मैं आप लोगों के लिए हॉल वीडियो लेके आती हूँ उसमें जो भी आउटफिट्स का मैं रिव्यू करती हूँ, आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। आप जब उन आउटफिट्स को बाय करते हैं तो आउटफिट्स आपको पसंद आते हैं, और जब मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम आता है कि प्रीना हमें सूट रिसीव हुआ या प्रीना दीदी हमें कुर्ती रिसीव हुई और घर में सबको बहुत अच्छी लगी, पहनने के बाद में बहुत अच्छी लग रही थी, तो मुझे जब इस तरीके के डीएम्स आते हैं तो मुझे लिटरली बहुत ही अच्छा फील होता है। इसलिए जो लोग अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे डीएम नहीं भेजते हैं भाई, आप लोग भी प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और मेरे चैनल से अगर आप कुछ भी बाय करते हैं, आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, एक बार डीएम करके मुझे जरूर बताया कीजिए, जैसे और लोग मुझे बताते हैं। वैसे अभी तक तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, तो टच वुड आगे भी मैं चाहूंगी कि ऐसा ही रिस्पॉन्स मेरे चैनल पे मुझे मिलता रहे, आप लोगों का ट्रस्ट ऐसे ही मुझ पे बना रहे और मैं अच्छे आउटफिट्स का रिव्यू करूं, अफोर्डेबल आउटफिट्स का रिव्यू आप लोगों के लिए लेके आऊं, ताकि आप लोग जब उन आउटफिट्स को बाय करें तो आपका टाइम आपके पैसे वेस्ट ना हो। ठीक है, तो चलिए आज का हॉल वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। चलिए आज के इस हॉल का सबसे पहला आउटफिट जो है वो सेमी पार्टी वेयर आउटफिट है। रिव्यूज इसके मीशो पे बहुत अच्छे थे, ट्रेंडिंग में चल रहा है मीशो पे ये। इसे मैंने लिया है अंडर 900 रुपीज मीशो से। मसलिन सिल्क फैब्रिक का आपको ये कुर्ता मिल जाता है, लाइट शेड का है, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइट बेबी पिंक शेड का कुर्ता आपको मिल जाता है। और ये है कुछ इस तरीके से कुर्ते का फ्रंट लुक। ये जो कुर्ता है ना पूरा आपको फ्रंट से प्रिंटेड मिलेगा, और पूरे कुर्ते पे फ्रंट में बैक में स्लीव्स में आपको एम्ब्रॉयडर्ड वर्क के साथ में इस तरीके से सीक्वेंस का जो काम है वो पूरे कुर्ते पे देखने के लिए मिलता है। तो ये ब्लिंक जो है आपको फ्रंट बैक स्लीव्स पूरे सूट पे देखने के लिए मिलेगा। अब इसका फ्रंट लुक देख लेते हैं। तो इस तरीके से मसलिन सिल्क फैब्रिक का आपको ये कुर्ता मिलेगा, और ये है इसका फ्रंट लुक। प्रिंटेड है, फ्लोरल प्रिंट आपको मिलेगा, बहुत सुंदर है, और इसके प्रिंट की वजह से ही ये अभी फिलहाल ट्रेंडिंग में चल रहा है। एंड नो डाउट इसकी फैब्रिक क्वालिटी बहुत अच्छी है। नीचे की तरफ आप देखिए कितना सुंदर क्रोशिया का लेस है जो इसमें लगा के दिया गया है। ये है इसकी स्लीव्स, स्लीव्स में भी आपको प्रिंट मिलेगा, सीक्वेंस का काम मिलेगा। बैक की अगर मैं बात करूं तो बैक भी पूरा इस तरीके से आपको सेम प्रिंटेड मिलेगा और सीक्वेंस से भरा हुआ मिलेगा। रिव्यूज इसके मीशो पे बहुत ज्यादा अच्छे थे, एक भी नेगेटिव रिव्यू मुझे इसका मीशो पे देखने के लिए नहीं मिला। इस वजह से मैंने इस सूट को आपके लिए पिक कर लिया। मैंने कहा अगर एक भी नेगेटिव रिव्यू नहीं है यानी कि सूट में कुछ ना कुछ तो बात है, तो इसको उठाना चाहिए और यहाँ रिव्यू के लिए लाना चाहिए। और लिटरली इस सूट का अगर आप 800 850 रुपए पे कर रहे हैं तो पूरा पैसा वसूल सूट है। समर्स के लिए एकदम परफेक्ट फैब्रिक है, आप डेफिनेटली समर्स में पहन सकते हैं। ये है इसका बॉटम, इसके बॉटम में आपको स्ट्रेचेबल इलास्टिक मिल जाती है। इसका बॉटम आपको मिलता है रेयन मटेरियल का, और इसके बॉटम में आपको इस तरीके से पैंट स्टाइल बॉटम जो है वो देखने के लिए मिलता है। और इसका दुपट्टा जो है वो भी आपको मसलिन सिल्क फैब्रिक का ही में देखने के लिए मिलेगा, और ये इस तरीके से पूरा प्रिंटेड आपको मिल जाएगा दुपट्टा भी, और दुपट्टे पे भी पूरे सीक्वेंस का जो काम है वो आपको देखने के लिए मिलता है। और ये है पूरा प्रिंटेड दुपट्टा, दुपट्टे पे आपको इस तरीके से क्रोशिया का लेस का काम भी मिलेगा। बैक साइड से जो दुपट्टा है वो आपको पूरा इस तरीके से प्लेन मिल जाता है, जो मेजर चीज है वो फ्रंट में है। दुपट्टे का लंबाई चौड़ाई काफी अच्छा आपको मिल जाता है। तो ये वाला सूट अगर आप लेना चाहें तो डेफिनेटली ले सकते हैं। साइजेस इसमें मीडियम से लेके 2XL तक आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आउटफिट जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ भाई, ये जॉर्जेट मटेरियल का एक ऐसा सूट है जो अब से ट्रेंडिंग में नहीं है, ये कम से कम 3 से 4 महीने से मीशो पे ट्रेंडिंग में है। एक्सट्रीम अफोर्डेबल और बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश सूट है ये, अंडर 650 मैंने लिया है। ये भी आपको मीडियम से लेकर 2XL तक साइजेस में देखने के लिए मिलेगा, और वाव क्वालिटी मुझे रिसीव हुई है। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले इसका एग्जैक्ट प्राइस हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो काफी अफोर्डेबल मैंने इसे मीशो से पिक किया है। ये भी सेमी पार्टी वेयर सेट है, और यहाँ पे बकायदा टैग भी लगा हुआ है ब्रांड का, और ये बहुत सुंदर है। स्ट्रेप वाला ये सूट आपको मिलता है, इसमें आपको ना एक्स्ट्रा स्लीव्स नहीं मिलती हैं, तो अगर आप स्ट्रेप वाला सूट वेयर करने में इंटरेस्टेड है तब आप डेफिनेटली इस सूट को पिक कर सकते हैं। ये ना थोड़ा सा ब्लू और पर्पल मिक्स शेड आपको देखने के लिए मिलता है। इसकी जो नेकलाइन है ना इस पे आपको इस तरीके से सिल्वर लेस का जो काम है वो देखने के लिए मिलता है। ये फ्रंट लुक है सूट का, और ये जो सूट है इसमें आपको साइड स्लिट्स में भी बहुत सुंदर जरी वर्क के साथ में सीक्वेंस का काम मिल जाता है।
ठीक है। और ये नायरा कट आपको ये मिलेगा सूट, ये जो सूट है इसमें आपको काफी लंबा अच्छा खासा स्लिट मिलेगा। तो ये है इसका फ्रंट लुक, हाई लो आपको इस तरीके से डिजाइन मिलेगा, नायरा कट इस तरीके से आपको कट मिल जाता है, मतलब इतना रीजनेबल सेट है कि क्या बताऊं। और ये है इसका सिल्वर वाला वर्क जो आपको स्लिट में देखने के लिए मिलेगा, साथ में आपको सीक्वेंस का काम भी मिलेगा, ठीक है। अंदर की तरफ सूट में आपको फैब्रिक भी लगा के दिया गया है, बहुत शानदार सूट है, जॉर्जेट मटेरियल का ही आपको इसका बॉटम मिलेगा, बॉटम में आपको अच्छी खासी स्ट्रेचेबल इलास्टिक मिलेगी, इसके बॉटम में आपको अंदर अस्तर भी मिलेगा और फ्रंट और बैक पे इस तरीके से जरी वर्क के साथ में सीक्वेंस का जो बॉर्डर का डिटेलिंग है वो मिल जाता है। आउटस्टैंडिंग सेट है, मुझे जहां तक याद है इसे मैंने 650 का भी नहीं, अंडर 600 खरीदा है भाई, इतने कम प्राइस में इतना शानदार पार्टी वेयर सेट आपको मिलता है। तो इसको तो बिल्कुल भी इस हॉल वीडियो में से देखने के बाद छोड़ना नहीं है, इसे लेना ही लेना है। यहाँ पे अंदर आपको अस्तर भी लगा हुआ मिलता है और दुपट्टा जो आपको मिलता है वो भी जॉर्जेट मटेरियल का मिलेगा, और दुपट्टे में भी चारों तरफ इस तरीके से आपको मिल जाता है जरी वर्क के साथ सीक्वेंस का बॉर्डर का डिटेलिंग चारों तरफ है दुपट्टे में। तो इतना सुंदर सेट है यार कि क्या बताऊं, और काफी अफोर्डेबल है। तो जिनको स्ट्रेप वाला सेट एकदम कंफर्टेबल लगता है वेयर करने में वो डेफिनेटली इसको पिक कर सकते हैं इस हॉल वीडियो में से, क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिल रही है। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ एक ब्लैक कलर का सूट दिखा रही हूँ जो कि पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये ब्लैक वाला जो सूट है इसे मैंने एल साइज में अपने लिए पिक किया है, और ये मैंने लिया है समवेयर अराउंड 600 या 700 का। ये जो सूट है ये आपके डेली वेयर के हिसाब से या ऑफिस वेयर के हिसाब से बहुत अच्छा ऑप्शन है, और इसके रिव्यूज भी मीशो पे बहुत अच्छे देखने के लिए मिले हैं मुझे। रेयन मटेरियल का आपको ये सूट मिल जाता है, ये इसकी राउंड नेकलाइन आपको मिल जाती है, इस तरीके से जो सूट है वो आपको ब्लैक शेड का मिलेगा और प्रिंटेड मिलेगा, फ्रंट में आपको समोसा लेस के साथ में सिल्वर बटन्स की डिटेलिंग मिलेगी जो कि कंप्लीटली शो के लिए है। सूट बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश लगता है, टिपिकल आपको इंडियन प्रिंट देखने के लिए नहीं मिलेगा, बहुत ही शानदार वाला प्रिंट आपको मिलता है, और ब्लैक और व्हाइट का कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। स्ट्रेट कुर्ता सेट ये आपको मिल जाता है, स्लीव्स में भी आपको सेम प्रिंट मिलेगा, 3/4 से लंबी आपको स्लीव्स मिल जाती है, और कुर्ते का लेंथ जो है वो भी आपको काफी अच्छा खासा लंबा मिल जाता है। इसके साथ में आपको प्लेन ब्लैक शेड का रेयन मटेरियल का ही बॉटम मिल जाता है जिसमें काफी अच्छी खासी स्ट्रेचेबल इलास्टिक आपको मिलेगी, और इस तरीके से आपको ब्लैक शेड का बॉटम मिलेगा। ये जो ब्लैक शेड का बॉटम है किसी और कुर्ती के साथ में भी पेयर कर सकते हैं आप, क्योंकि प्लेन सिंगल ब्लैक शेड का बॉटम है, और ये है इसका कॉटन मटेरियल का बहुत ही सुंदर सा दुपट्टा। इसके दुपट्टे की वजह से ही मैं कहूंगी कि ये सूट जो है बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में है, बहुत ही ज्यादा वायरल है। मुझे पर्सनली ये जो सूट है सिर्फ और सिर्फ इसके दुपट्टे की वजह से ही सबसे ज्यादा अपीलिंग लगा था, मैंने कहा यार ये बहुत सुंदर है और ये पहनने के बाद में बहुत प्यारा लगेगा। दुपट्टे की लंबाई चौड़ाई भी काफी अच्छी आपको मिल जाती है, और दुपट्टे का क्वालिटी भी नो डाउट बहुत अच्छा है। तो डेफिनेटली अगर आप डेली वेयर के हिसाब से, समर्स के हिसाब से, ऑफिस कॉलेज के हिसाब से कोई भी सूट देख रहे हैं या घर में पहनने के हिसाब से सूट देख रहे हैं तो ये वाला आप ले सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ एक और ऐसा सूट दिखाती हूँ जो कि ऑफिस कॉलेज के हिसाब से या फिर घर में पहनने के हिसाब से बहुत अच्छा ऑप्शन है, और ये है कलोसिया ब्रांड का ग्रीन शेड का सूट है, एल साइज में मैंने इसे पिक किया है, और इसका भी कुर्ता जो है बहुत ही प्यारे प्रिंट का आपको मिलता है। ये भी एक ऐसा सूट है जो आपको अंडर 650 रुपीज मीशो पे मिल जाता है, रिव्यूज इसके भी मीशो पे बहुत अच्छे आपको देखने के लिए मिलेंगे, मतलब एक भी नेगेटिव रिव्यू इसका नहीं था, और ये आपको मिल जाता है विस्कोस रेयन मटेरियल का सूट, बहुत ही शानदार प्रिंट आपको मिल जाता है, कलर कॉम्बिनेशन भी आप देख सकते हैं कितना प्यारा आपको मिलता है, और बहुत ही कंफर्टेबल आपको इसका फैब्रिक मिलेगा, और इस तरीके से बहुत ही अट्रैक्टिव प्रिंट आपको मिल जाता है। फ्लोरल प्रिंट्स वगैरह तो बहुत कॉमन है, बट ये वाला जो प्रिंट है ये आपको काफी यूनिक देखने के लिए मिलता है। ये भी आपको स्ट्रेट कुर्ता सेट मिलेगा, और ओवरऑल लुक, क्वालिटी और समर्स के हिसाब से फैब्रिक जो है वो एकदम परफेक्ट है। बैक साइड से भी सूट जो है आपको सेम प्रिंटेड मिलने वाला है, ये आपको मिलेगा स्ट्रेट कुर्ता सेट, और साइड में कुर्ते में आपको स्लिट भी मिलेगा, ठीक है। इसके साथ में आपको मिल जाता है कॉटन मटेरियल का दुपट्टा, दुपट्टे में आपको इस तरीके से प्रिंट देखने के लिए मिलेगा, दो प्रिंट आपको मिल जाएंगे देखने के लिए, एक बॉटम वाला प्रिंट और एक कुर्ते वाला प्रिंट इस तरीके से, और क्योंकि ये आपको मिल जाता है कलोसिया ब्रांड का तो भैया दुपट्टे की क्वालिटी और सूट की क्वालिटी में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि कलोसिया ब्रांड अपने आप में काफी ज्यादा पॉपुलर ब्रांड है और इनकी फैब्रिक क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी होती है इनके सूट्स की,
ये पर्टिकुलर जो है ना ये ब्रांड मेरा काफी ज्यादा फेवरेट ब्रांड है, तो आप डेफिनेटली इसे ले सकते हैं। जो कोड मैंने दिया है बस उसी से ही ऑर्डर प्लेस कीजिएगा तो आपको सेम पीस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए इस तरीके से आपको मिल जाता है इसका बॉटम जिसमें स्ट्रेचेबल इलास्टिक लगी हुई है, प्रिंटेड आपको बॉटम मिलेगा और ये है इसका पैड स्टाइल बॉटम। बहुत सुंदर सूट है, बहुत ही ज्यादा सुंदर सूट, मतलब इतने कम प्राइस में इतना अट्रैक्टिव पीस मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है और अच्छे ब्रांड का, तो डेफिनेटली आप इसको ले लेना, छोड़ना मत। नेक्स्ट आपको मैं दिखाती हूँ पिंक वाला एक सूट, ये वाला। ये तो भाई ऐसा सूट है जो आप भी जानते हैं बहुत ही ज्यादा पॉपुलर चल रहा है मीशो पे। अब ये वाला जो सूट है ना आपको मिलता है रेयॉन मटेरियल का, वी नेकलाइन आपको मिलेगी, यहाँ पे आपको लेस का काम भी मिलेगा। अब इसके ऊपर जो आप ये पूरा प्रिंट देख रहे हैं ना फ्लावर वाला लीफी डिजाइन वाला, ये पूरा का पूरा रबर प्रिंट है जो आपको सूट पे मिलता है। बट कई रबर प्रिंट्स की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम चीप होती है जो वॉश के बाद में निकल जाता है, बट क्योंकि मैंने इस सूट को हाथ में पकड़ रखा है और यहां मैं इसको स्क्रैच भी कर रही हूं तो रबर प्रिंट एज इट इज है, तो इसके रबर प्रिंट का जो क्वालिटी है वो काफी अच्छा है क्योंकि ये निकल नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, तो ये वाला सूट जो है इसका रबर प्रिंट काफी अच्छी क्वालिटी का है, तो डेफिनेटली आप पिक कर सकते हैं सूट को। इसके भी रिव्यूज अगर आप मीशो पे जाके देखेंगे तो काफी पॉजिटिव रिव्यूज थे, तो इसीलिए मैंने इसे पिक कर लिया आप लोगों के लिए। स्ट्रेट कुर्ता सेट ही आपको मिलेगा, ये भी अच्छा वाला प्यारा वाला सेमी पार्टी वेयर सेट है। चाहो तो छोटे मोटे गेट टुगेदर्स में पहन सकते हो, नहीं तो घर में तो आप डेफिनेटली पहन ही सकते हो। ये इसका बैक है, बैक में भी आपको सेम फ्लोरल प्रिंट मिल जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो सूट है बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो आपको चिंता करने वाली बात नहीं है, स्ट्रेट कुर्ता सेट है, साइड में स्लिट भी है। ये आपको इसका बॉटम मिलेगा वन सिंगल शेड का, इसमें स्ट्रेचेबल इलास्टिक लगी हुई मिलती है और ये पिंक शेड का आपको पैंट स्टाइल बॉटम मिल जाता है रेयॉन मटेरियल का। तो अंडर 600 सूट एकदम वर्थ इट है, ट्राई करना चाहे तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट मैं आपको एक शरारा सेट दिखाती हूँ जो कि मैंने लिया है कॉटन ब्लेंडेड मटेरियल का। मीशो पे मेंशन है कि ये कॉटन मटेरियल का है, बट आप कंफ्यूज मत होइएगा, मुझे भी ऐसा लगा था कि ये कॉटन मटेरियल का आएगा, बट ये कॉटन रेयॉन ब्लेंडेड मटेरियल का सूट है। अब इसका कुर्ता देख लेते हैं, और ये मतलब शॉर्ट कुर्ता और शरारा वाला सेट है। सूट तो बहुत सुंदर है, मतलब इतना सॉफ्ट इसका फैब्रिक है कि अगर आप इसको भी लेके घर में पहने या छोटे मोटे फंक्शंस पे पहने ना, तो फैब्रिक तो इतना सॉफ्ट है कि गर्मियों में भी पहनेंगे तो भी एकदम बढ़िया लगेगा। इसे भी मैंने एल साइज में लिया है। यहां देख लेते हैं इसका नेकलाइन जो आपको मिलता है, वो मिलता है आपको अंगरखा स्टाइल। ठीक है, नेकलाइन में आपको लेस का काम मिल जाता है, 3/4 से लंबी आपको स्लीव्स मिलेंगे, इस तरीके से आपको ब्लू फ्लोरल प्रिंट मिल जाता है, यहाँ पे आपको लेस का काम भी मिलेगा। अंगरखा स्टाइल आपको ये शॉर्ट कुर्ता मिलता है, तो यहाँ पे आपको साइड में डोरी के साथ में टैसल का डिटेलिंग भी मिल जाता है। ठीक है, और नीचे की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो ये शॉर्ट कुर्ता आपको प्लीटेड मिलेगा, प्रिंट आपको फ्रंट और बैक में सेम मिलेगा और नीचे की तरफ आपको इस तरीके से लेस का काम मिल जाएगा। तो बहुत सुंदर है, बहुत ही कंफर्टेबल लगा मुझे ये वेयर करने के बाद में, और बैक साइड से भी आपको सेम प्रिंट मिल जाएगा, बैक में आपको लेस का जो काम है वो नहीं मिलेगा, बट ओवरऑल सूट का क्वालिटी वगैरह सब कुछ आपको काफी अच्छा मिलता है। डेली वेयर के हिसाब से ये अच्छा है, मैंने इसे कितना अंडर 650 रुपीज लिया है, बहुत रीजनेबल लिया है इसे भी मैंने। और यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका कॉटन रेयॉन ब्लेंडेड मटेरियल का ही शरारा, प्रिंटेड इस तरीके से मिलेगा। इसके शरारे में आपको बेल्ट इलास्टिक दोनों का काम मिलेगा और इस तरीके से आपको ये स्टिच्ड शरारा मिलेगा, ऊपर प्लेन है, नीचे गैदर्ड डिटेलिंग है और देन फिर वन सिंगल लेग में आपको फ्लेयर मिलेगा। तो सूट जो है, सेट जो है, शरारा सेट काफी प्यारा है, तो आप डेफिनेटली रीजनेबल है, मीशो से आप पिक करना चाहो तो इसकी क्वालिटी आपको अच्छी मिलती है, आप पिक कर सकते हो। साथ में आपको मिलता है इसके प्लेन दुपट्टा जिसमें इस तरीके से गोल्डन लेस का काम आपको मिलता है। चलिए अब एक आलिया कट नेकलाइन वाली कुर्ती देख लेते हैं। कुर्ती ऐसी कुर्ती है जो कि आई है डार्क, बहुत ही ज्यादा डार्क नेवी ब्लू शेड में। पिक्चर यहाँ मॉडल की साइड में लगा रही हूँ, अगर आप फोटोग्राफ देखेंगे तो आपको ये थोड़ा सा ब्राइट ब्लू शेड की दिखेगी कुर्ती, लेकिन जब मैंने कमेंट सेक्शन को भी चेक किया काफी अच्छे से, तो कुर्ती आपको इतनी ब्राइट ब्लू शेड में नहीं मिलेगी, ये डार्क नेवी ब्लू शेड में आपको कुर्ती रिसीव होगी। और ब्रांड जो है ये कुछ नाम है, लेबल खोज करके ब्रांड का नाम है। एल साइज में मैंने कुर्ती को लिया है, आले कट नेकलाइन वाली कुर्ती है। कुर्ती तो वाव है, बहुत ही प्यारी रेयॉन मटेरियल की कुर्ती है, बट आप मॉडल के फोटोग्राफ में जो कलर देख रहे हैं उस कलर पे मत जाना,
जो कलर मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में वो कलर आपको मिलेगा। तो ये आलिया कट नेकलाइन वाली कुर्ती है। इस तरीके से आपको कुर्ती पे फ्लोरल प्रिंट देखने के लिए मिलता है। रेयॉन मटेरियल की कुर्ती है। कुर्ती में जो आप ये शाइन देख रहे हैं, इस कुर्ती पे प्रिंट के ऊपर हल्का हल्का गोल्ड फॉइल प्रिंट का काम भी आपको मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे नीचे की तरफ देख लेते हैं तो आपको मिल जाता है गैदर डिटेलिंग, और कुर्ती में आपको इस तरीके से प्रिंट मिल जाएगा। यह आपको मिलेगी ए लाइन कुर्ती। ठीक है, इस कुर्ती में आपको फ्लेयर अच्छा मिलेगा, साइड में कोई भी कट नहीं मिलेगा। ठीक है, और फ्रंट और बैक में कुर्ती में आपको कुछ इस तरीके से जो प्रिंट है वो देखने के लिए मिलता है, और बाकी फ्लोरल प्रिंट तो आपको फ्रंट और बैक दोनों तरफ मिलेगा कुर्ती में। तो वैसे कुर्ती की क्वालिटी अच्छी है, फैब्रिक रिच है, फैब्रिक अच्छा खासा मोटा वाला रेयॉन मटेरियल है, रिव्यूज भी अच्छे खासे हैं। तो आप इस कुर्ती को भी लेना चाहो तो आप डेफिनेटली ले सकते हो, काम आएगी आपकी। नेक्स्ट आपको मैं दिखाती हूँ वो है ये प्योर कॉटन मटेरियल का ग्रीन शेड का सूट, और ये मतलब ग्रीन और ब्लू मिक्स शेड में आपको मिलेगा। बहुत ही लाइट शेड का कॉटन मटेरियल का सूट है ये वाला। जो कुर्ता है ना यार, इसकी नेकलाइन आप देखिए कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर बटन्स की डिटेलिंग है, राउंड इस तरीके से सिल्वर गोटा पट्टी की डिटेलिंग के साथ में आपको नेकलाइन मिल जाती है। इसकी नेकलाइन की वजह से ये सूट बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहा है। ये है इसका फ्लोरल प्रिंट जो सूट में मिलता है। यहाँ पे आपको लेसिस का डिजाइन मिल जाता है, यानी कि गोटा पट्टी लेस का काम मिल जाता है। नायरा कट स्टाइल में आपको इसमें सूट में कट मिलेगा, काफी अच्छा खासा लंबा कट आपको मिल जाता है। ये वाला जो सूट है इस तरीके से प्रिंटेड आपको मिलेगा अंगरखा स्टाइल में। ठीक है, सूट का प्रिंट आप पहले देख लीजिए, सूट में कुछ इस तरीके से प्रिंट आपको मिल जाता है। बहुत ही लाइट शेड का सूट है और काफी लाइट फ्लोरल प्रिंट आपको मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको बॉर्डर की डिटेलिंग मिलेगी, और कुर्ते के नायरा कट स्टाइल में भी यहाँ पे आपको प्रिंटेड बॉर्डर की डिटेलिंग मिलेगी सूट में इस तरीके से। ठीक है ना, तो सूट तो बहुत प्यारा है पर बहुत ही लाइट शेड का सूट है। बैक की अगर मैं बात करती हूँ तो बैक में भी आपको इस तरीके से सेम फ्लोरल प्रिंट मिलेगा। सूट क्योंकि अंगरखा स्टाइल आपको मिलता है तो यहाँ पे आपको डोरी के साथ में टैसल की डिटेलिंग भी मिलती है, और आप देखो टैसल्स कितने प्रिटी हैं, कितने सुंदर टैसल्स हैं यार जो इसमें मिल जाते हैं। तो सूट तो बहुत प्यारा है, कॉटन मटेरियल का क्वालिटी अच्छा है। इस तरीके से प्रिंटेड आपको ये दुपट्टा भी मिलेगा, और इसके दुपट्टे में भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको सिल्वर गोटा पट्टी लेस का काम मिलेगा, सिल्वर समोसा लेस का काम मिलेगा। दुपट्टे की लंबाई चौड़ाई जो है वो भी काफी अच्छी आपको मिल जाती है, पूरा प्रिंटेड दुपट्टा मिलता है। और इसका बॉटम जो आपको मिल जाता है वो आपको मिल जाता है स्लाइटली सा फ्लेयर वाला बॉटम। इसके बॉटम में भी आपको अच्छा खासा स्ट्रेचेबल इलास्टिक मिलेगा, इस तरीके से फ्लोरल प्रिंट का काम आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और इसके बॉटम में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो साइड में आपको ये जो है बॉर्डर का डिटेलिंग मिलेगा, प्रिंटेड बॉर्डर का, जो आपको स्टार्ट टू एंड तक मिलेगा, और नीचे की तरफ आपको बॉटम में बॉर्डर की डिटेलिंग भी मिलेगी। चलिए, अब हॉल वीडियो एंड करने से पहले बहुत सारे लोग पूछेंगे कि जो आपने कुर्ती पहन रखी है भाई ये हमें सबसे अच्छी लग रही, तो इसके बारे में बताइए। तो इसका रिव्यू दे देती हूँ, उसके बाद में ही हॉल वीडियो को एंड करूंगी। तो ये जो कुर्ती है ना भाई, ये लखनऊ चिकनकारी कुर्ती वाली कुर्ती है, और ये रेयॉन मटेरियल की है, और ये कुर्ती भी मैंने ली थी मीशो से ही। पूरी नेकलाइन पर अगर आप देखेंगे तो इतना सुंदर एम्ब्रॉयडर्ड वर्क आपको देखने के लिए मिलता है, थ्रेड वर्क की क्वालिटी ऑसम आपको देखने के लिए मिलती है। इसकी जो स्लीव्स हैं, स्लीव्स पे भी आपको इस तरीके से एम्ब्रॉयडर्ड वर्क की डिटेलिंग मिल जाती है। ट्रायल में आप देख सकते हैं बहुत प्रिटी सी शॉर्ट कुर्ती है। रेयॉन मटेरियल का फैब्रिक भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। कुर्ती मैंने ली थी 360 या 370 रुपीज की, कुछ बहुत रीजनेबल है। और इसकी कुर्ती में ना यहाँ नीचे भी आपको बॉर्डर की डिटेलिंग मिल जाती है, जो कि आप ट्रायल में इजीली देख सकते हैं। तो ये वाला भी समर्स के हिसाब से बहुत सुंदर शॉर्ट कुर्ता है, अगर आप इसे लेना चाहो तो डेफिनेटली ले लेना, ये तो शानदार चीज है। That's it, दोस्तों, यही था आज का इंटरेस्टिंग हॉल वीडियो, एंड आई रियली होप आपको ये हॉल वीडियो पसंद आया होगा। मेक श्योर कि अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक देके जाइएगा, और पुराने हो चाहे नए हो भाई कमेंट करके जरूर जाइएगा। ठीक है, चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं नए हॉल वीडियो में नए कलेक्शन के साथ में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।